नमस्कार दोस्तों, मैं साजवीर संधु आपका सुबह सवेरे एक पहेली में स्वागत करती हूँ, जिसमें कि हम आपके लिए रोज एक नई पहेली और एक जीत का क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हमारी कल की पहेली थी, वो कौन सी चीज है जो ऊपर नीचे तो होती है मगर हिलती नहीं है। और इसका करेक्ट आंसर था, और वो चीज है तापमान, यानी की टेम्परेचर। और दोस्तों, हमारा कल का जीत का क्वेश्चन था, ट्रेन के इंजन का आविष्कार किसने किया और कब किया। और इसका करेक्ट आंसर था, ट्रेन के इंजन का आविष्कार यूके के रहने वाले इंजीनियर रिचर्ड ट्रेविथिक ने 21 फरवरी 1804 को अपने भाप वाले इंजन से ट्रेन को खींचा, मगर कई कारणवश उनका ये इंजन सफल नहीं हो पाया। और इसके बाद परंतु इससे बहुत से लोगों को सीख मिली कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। और फिर 27 सितंबर 1825 को जॉन शेफ हंसन ने अपनी एक ट्रेन बनाई जो कि 24 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती थी और उसमें 450 पर्सन एक बार में बैठ सकते थे। और ये हुआ उनका इंजन बिल्कुल सफल। और दोस्तों, इसीलिए इस इंजन का आविष्कार किया जॉर्ज स्टेफेनसन ने। और दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दिया है लगभग सभी ने। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा आज का जीक का क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा आज का जीक का क्वेश्चन है, उड़न परी की उपाधि से कौन प्रसिद्ध है और किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर दीजिएगा जल्द से जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारी आज की पहेली। तो दोस्तों, हमारी आज की पहेली है, फल नहीं पर फल कहलाऊं, नमक मिर्ची के संग सुहाऊं, खाने वाले की सेहत बढ़ाऊं, सीता मैया की याद दिलाऊं। फल नहीं पर फल कहलाऊं, नमक मिर्ची के संग सुहाऊं, खाने वाले की सेहत बढ़ाऊं, सीता मैया की याद दिलाऊं। और इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में।